हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रमोद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो लेके आ चुका हूँ मैं आज फिर से स्मार्ट विजन ग्लास के ऊपर वीडियो। जी हाँ गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे स्मार्ट विजन ग्लास क्या है और कैसा होता है, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताए थे। गाइज, इस वीडियो में हम आपको स्मार्ट विजन ग्लास पहन करके दिखाएंगे अच्छे से, है ना, और आपको उसके बारे में और भी जानकारी देंगे और कैसा काम करता है ये भी हम आपको बताएंगे गाइज। ठीक है, जितना कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे। ओके, और भी आगे वीडियोज आने वाली है स्मार्ट विजन ग्लास के ऊपर, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख सके। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो आप हमारा टेक्नोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट पेज में जाकर के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मेल के लिए अलग सा ग्रुप है और फीमेल्स के लिए भी स्पेशल अलग सा ग्रुप बनाया गया है। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अच्छी खासी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। तो चले गाइज, अब हम बिना देरी के करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सब कुछ आपको बता ही दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा स्मार्ट विजन ग्लास के बारे में। तो अब हम स्मार्ट विजन ग्लास को पहनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्ट विजन ग्लास आता है तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है स्मार्ट विजन ग्लासेस। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास जो है स्मार्ट विजन ग्लास है तो। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट विजन ग्लास जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद फिर आपको जो है उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको कुछ परमिशन देने के लिए कहेगा, परमिशन दे दीजिएगा और वहाँ पे आपको जो है नाम लिखने के लिए भी बोलेगा। तो वहाँ पे अपना नाम लिखना होगा और आप अपनी जो है जीमेल आईडी वहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, याद रहिए या आपका नाम और जीमेल आईडी ये दोनों जो है आपका ही चाहिए। ठीक है, तो अच्छा होगा। तो अपनी जीमेल आईडी और नाम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर बोलेगा, अगर तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, वैसे बोलेगा ही। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करके कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे फिर और फिर से आपको परमिशन मांगेगा तो परमिशन सब कुछ दे दीजिएगा, फिर बस आपका एप्लीकेशन हो गया रेडी। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, स्मार्ट विजन ग्लास को पहन लेना है। ठीक है, तो अब हम स्मार्ट विजन ग्लास जो है उसको हम पहनते हैं। तो कैसे पहनना है मैंने आपको पिछले वीडियो में उसे बता दिया था, लेकिन फिर भी है ना। तो चलिए पहनते हैं। जैसे हमारा चश्मा होता है जैसे हम पहनते हैं उसी तरह इसको पहनना है। ओके, हमने पहन लिया है। जो इसका केबल की साइड है जो वो लेफ्ट साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये केबल है, इसको लगा ही आपको लगा हुआ है केबल मिलेगा तो लेफ्ट साइड में केबल होना चाहिए जैसे आप पहनोगे तो। ठीक है, तो आई थिंक अब कैसे लगाना है ये आपको समझ आ गया होगा अब, है ना। अब यहाँ पर जो केबल है, तो ये जो केबल है इसको हमें क्या करना है, अपने फ़ोन के जो हमारा फ़ोन का चार्ज करने का सॉकेट होता है वहाँ पर लगाना है। ठीक है, जो आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो जो चार्ज जहाँ पर लगाते हो ना वहीं पर इसका ये जो केबल है लगाना होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्मार्ट विजन ग्लास में चलूँगा। तो आपको भी सबसे पहले स्मार्ट विजन ग्लास में चलना होगा। ओके, ओके मैं चलता हूँ स्मार्ट विजन ग्लास। सिस्टम लॉक ऑन, एंटर टूल ओपन, इट्स टू द वोल्टेज, स्मार्ट विजन, स्मार्ट विजन ग्लासेस। ओके, स्मार्ट विजन ग्लासेस में चलता हूं। ओके, प्लीज कनेक्ट योर स्मार्ट विजन ग्लासेस टू योर मोबाइल। यस, आप कनेक्टिंग योर ग्लासेस, यस, एंड टेक अप टू 1 मिनट फॉर द ग्लासेस टू बी रेडी। ओके, मैं स्मार्ट विजन ग्लास लगाता हूं।
ओके मैंने लगा लिया। अब इसने कहा एक मिनट वेट करना है क्योंकि लोड हो रहा है गाइस, ठीक है। तो अब हम वेट करते हैं। प्लीज वेट, कनेक्टिंग टू स्मार्ट विजन ग्लासेस। ओके तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन को सब कुछ लॉगिन कर लेना होगा, उसके बाद ही कनेक्ट करना है, ठीक है, स्मार्ट विजन ग्लास। बाकी मैंने लॉगिन करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। ओके तो ऐसा न्यूज़ है। हेलो प्रमोद, हैव अ गुड डे विद स्मार्ट विजन ग्लासेस प्लस। ओके स्टैंड बाय मोड। ओके देखो सबसे पहले इसका कौन सा मोड ओपन हुआ, स्टैंड बाय मोड, ठीक है, जो कि इसका होम है। ये मतलब जैसे हमारे फोन का जो होम स्क्रीन होता है ना, उसी तरह इसका ये होम स्क्रीन है, स्टैंड बाय मोड, ठीक है। इसका ये होम पेज है, यही समझोगे तो चलेगा, ठीक है। सबसे पहले यही मोड आपका ओपन होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 बटने दी गई है और वहाँ पे कुछ ब्रेल में लिखा हुआ भी है, तो आपको समझ तो आ जाएंगे उसकी कीज, क्योंकि जो भी है उनका जिस चीज़ के लिए वो की बनी हुई है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो बटन बनी गई है, वहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो लिखा हुआ है ब्रेल में, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो बटन ही नहीं है, तो बटन नहीं है, यस राइट, वहाँ पे कोई भी कीज नहीं है। कीज कौन सी है, जहाँ पर ब्रेल में लिखा है वही हमारी कीज है, सिर्फ आपको वहाँ पर टच करना है तो वो बटन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी स्टैंड बाय मोड में ओपन है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, और स्टैंड बाय मोड की फर्स्ट बटन है, फर्स्ट बटन किधर है, हमारे लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, सबसे लेफ्ट साइड की जो बटन है पहली, वो स्टैंड बाय मोड की है, ठीक है। अब इसके बाद इसके पास कौन सी बटन है हम देख लेते हैं। स्टैंड बाय मोड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यस लिखा हुआ है, यस, ठीक है, ब्रेल में यस लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो है, इसके आगे क्या है, देखिए इसके आगे राइट साइड में दूसरी एक बटन है, ये किस चीज़ के देख लेते हैं। ये जो बटन है गाइस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरिंग फेस बोला इसने, मतलब कि वो फेस वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी है बंदा, ठीक है, या बंदी जो भी है, आपका कोई रिलेटिव है या आपके फैमिली मेंबर है कोई, या किसी की भी आप फोटो वहाँ पर स्टोर करना चाहते हो, तो जहाँ पर ऐप लिखा हुआ है वहाँ पर टच करोगे तो वो बोलेगा स्टोरिंग फेस, मतलब कि कोई भी आपके आगे रहेगा तो उसकी जो है फोटो ले लेगा और वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि कभी भी वो आपके पास आएगा ना, जब भी वो आपके पास आएगा तो आपका फ़ोन खुद आपको बताएगा कि ये आपके आगे आया है। जब आप स्मार्ट विजन ग्लास अब पहने रहोगे और आपके पास वो पर्सन आ जाता है तो बता देगा उसका नाम, ठीक है। जैसे कि अब मैंने क्या किया कि एफ जो लिखा है उस पर क्लिक किया, उसने बोल भी दिया, आपने सुने होंगे स्टोरिंग फेस, तो जैसे स्टोरिंग फेस बोला उसके बाद कोई आगे होता ना तो उसकी फ़ोटो ले लेता, मतलब, और हमें नाम बताना होता उसका, ठीक है, नाम बताना होगा आप लोगों को। जैसे आप नाम बताओगे तो उस नाम से वो सेव हो जाएगी फोटो, ठीक है। तो ये रहा स्टोरिंग फेस बोला, अगर कोई होता तो उसकी फोटो ले लेता, फिर मैं उसका नाम बोलता, ठीक है, वो बता देता। वैसे आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फेस इज नॉट फाउंड इन द इमेज, यस प्लीज ट्राई अगेन, यस, कोई भी फेस नहीं है इसलिए उसने ऐसा बोला, ठीक है, हमारे आगे कोई भी पर्सन नहीं है, इसलिए अगर होता तो फिर वो सेव हो जाता, लेकिन सेव पहले नहीं होता, आपको नाम पूछता हो क्या नाम से सेव करना है, फिर आपके मम्मी पापा या जो भी है उनका नाम आप वहाँ पे बोलते हैं तो उसी नाम से हो जाता सेव, फिर जब भी वो आपके आगे आते तो बता देता, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। अब आगे क्या है, देखो फिर से मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से स्टोरिंग फेस ओपन हो गया, ठीक है। ओके अब फिर से स्टैंड बाय मोड ओपन हो गया क्योंकि कोई भी नहीं है हमारे आगे, इसलिए अब इसके आगे जो एफ लिखा है इसके और राइट में कौन सी बटन है ये हम देख लेते हैं। तो आगे है देखो वॉकिंग असिस्टेंट यस, कीप योर हेड स्ट्रेट एंड स्लाइटली डाउन, यस। देखो वॉकिंग मोड ओपन हो गया, stop, मतलब वहां पे जो W लिखा हुआ है गाइस,
तो W का वो है फी, मतलब W का वो आता है ना गाइस, तो इसने W वहाँ पे लिखा हुआ है, W पे जैसे टच करोगे तो वॉकिंग मोड आपका हो जाएगा ऑन, ठीक है। मतलब अब आप कहीं जा रहे हो तो जहाँ पर W लिखा हुआ है उस सेंसर पे टच कर दोगे तो वॉकिंग मोड आपका जो है ऑन हो जाएगा। फिर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको बताएगा आपके आगे मतलब क्या है। Obstacle is close. Change the direction. देखो मैं यहाँ पे हूँ अभी, आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे दीवार है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं डायरेक्शन अपना चेंज कीजिए करके, ओके। बाकी आगे और भी वीडियोस आने वाली है, डेमो में दिखाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा मैं तो कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ। अब हमें और दूसरा मोड चेंज करना है, तो हम किसी भी कीज पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब हम वॉकिंग मोड में है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट बटन है जो स्टैंड बाय मोड, तो उस पे टच करेंगे तो वो मोड मतलब उस मोड में चला जाएगा, मतलब कि होम पेज पे चला जाएगा। देखो मैं करता हूँ स्टॉप, ऑब्स्टिकल इज क्लोज, चेंज द डायरेक्शन, हम टच कर ओके, स्टैंड बाय मोड, ठीक है। अब हो गया, अब वो बंद हो गया मोड, ठीक है, सभी मोड बंद हो गए, अब वो स्टैंड बाय मोड में आ गया। अब और दूसरा देखते हैं, एक मिनट, ये था हमारा, एक मिनट, ओ एक स्टोरिंग फेस, ये पे मेरा क्लिक हो गया गाइस गलती से, ठीक है। जैसे आपका जहां पर भी टच होगा ना तो वही मोड एक्टिवेट हो जाएगा। मैं स्टैंड मोड में जाता हूं, ओके स्टैंड बाय मोड में गया, ठीक है। तो अब हो गया वॉकिंग मोड, मतलब कि जहां पे W लिखा था उस पे टच किए थे तो वॉकिंग मोड। अब इसके राइट में और एक कीज है, ये किसकी है देखते हैं, देखते हैं, एक मिनट, रीडिंग नाउ, यस रीडिंग, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो रीडिंग मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आर लिखा हुआ है उस पे टच करोगे, प्लीज ट्राई अगेन एज द इमेज इज नॉट क्लियर, ओके। मेरे तो मतलब क्या है कि वो आपके पास कोई बुक है या जो भी है वो पढ़ेगा अच्छे से गाइस, ठीक है। तो ये बात है, जहाँ पर आर लिखा है उस पे टच करोगे तो रीडिंग मोड आपका ऑन हो जाएगा और आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बुक्स या जो भी है आपके पास उसकी फोटो ले लेगा वो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमने अभी क्या क्या देखे गाइज, स्टैंड बाय मोड देखे, ठीक है, और क्या देखे, फेस स्टोर करने का, और वॉकिंग देखा, और अभी क्या देखा, रीडिंग देखा। अब और एक की है, वो किस चीज की है वो देख लेते हैं, एक मिनट, रीडिंग नाउ, ये रीडिंग का देखे थे हमने, मटेरियल अबाउट स्टैंड बाय मोड, ओके, थिंग्स अराउंड यू, ओ सॉरी, स्टैंड बाय मोड, कहीं पर भी टच हो रहा है गाइस, ओके। अब राइट साइड का जो है लास्ट वाला बटन, इस पे टच करते हैं, क्या है, Things around you. Things around you. Please wait. अब देखो क्या बताते हैं। A person standing on a patio. Some common objects are outdoor chair, plant. Yes, देखो यहाँ पे चेयर भी है, वो भी इसने बताया अच्छे से, जैसा कि चेयर कहाँ है दिखाता हूँ आपको, देखो ये चेयर है आपका, हो जाती होगी चेयर का, ठीक है। अब और कहीं पर मतलब यहाँ ये क्या है कि अगर आप कहीं खड़े हो और देखना चाहते हो कि हमारे आगे क्या है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, जो लास्ट वाला बटन है राइट साइड में, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो थिंग्स अराउंड यू, मतलब कि आप क्या आगे जो भी है वो आपको बताएगा। फिर से हम देखते हैं, प्लीज वेट, ओह एक मिनट, क्या हो गया, स्मार्ट विजन ग्लासेस, ओके एक मिनट गाइस, थोड़ा भी टच हो जाता है तो उस मोड में चला जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि आपको एक्सप्लोर ही करना है डायरेक्टली, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा जाओगे उंगली खिसकाओगे कौन सी एक एक बटन के ऊपर से, ऐसा नहीं होगा, आपको डायरेक्टली उसी बटन पे टच करना होता है। तो हम थिंग्स अराउंड फिर से करते एक बार, थिंग्स अराउंड यू, ओके, प्लीज वेट, स्मार्ट पर्सन विद अ बकेट एंड अ बकेट ऑफ वाटर, Some common objects are outdoor, footwear, mammal. Yes, इसने बता दिया, बकेट भी है वो भी इसने बता दिया गाइस, ठीक है, सब कुछ अच्छे से बताता है, सब कुछ बताएगा आपको, ठीक है।
और आगे का देखते हैं क्या है, क्या बताता है इधर का। अब फिर से उसी बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा देखते हैं। एक मिनट, कुछ बता नहीं रहा है। Some common objects are indoor, window. Yes, इसने यहाँ पर भी बता दिया सब कुछ। और फिर से देखना है तो उसी पे क्लिक करना है जो लास्ट वाला बटन है राइट साइड में, जहाँ पर Please wait. Smart vision glasses. A person sitting on a chair. Yes. Some common objects are outdoor, ground, looking. Yes. तो ऐसा आप देख सकते हो। अब हम एक एक मोड के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक वीडियो में। वैसे देखते हैं, वैसे जितना और हो सकता है उतना हम करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था आप लोगों को कि कौन सी चीज किस काम की है। तो बाकी लास्ट वाली बटन बची हुई थी थिंग्स अराउंड यू, तो वैसे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, थिंग्स अराउंड यू क्या है। अब वॉकिंग मोड का देखेंगे हम आने वाली वीडियो में, ठीक है, जो भी आने वाली वीडियोज होंगी वहाँ पर अलग अलग हम बताएंगे, ठीक है। तो और भी वीडियोज आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें नए किए हो तो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। तो मैं था आप सभी का दोस्त प्रमोद, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We've run into a problem. Your device has